कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी जब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो एक गजब का सीन क्रिएट हो गया, जहां राहुल ने बचत भवन में आयोजित दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा टेस्ट लिया जिससे प्रशासन की पोल खुल गई। दरअसल वहां राहुल ने अपने मोबाइल से हेल्पलाइन नंबर 181 डायल कर दिया। हेल्पलाइन पर घंटी तो गई लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया। बस इसी बात पर राहुल गांधी भड़क गए। उन्होंने सामने ही डीएम से कहा कि मेरा फोन नहीं उठता, ये सुरक्षा है आपकी। हुआ दरअसल ये कि बैठक में राहुल रायबरेली की डीएम हर्षिता माथुर से महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी ले रहे थे, जिस पर डीएम राहुल को भरोसा दिला रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था सब ठीक है। उसी दौरान राहुल गांधी ने टोल फ्री नंबर पर कॉल लगा दिया। पूरी रिंग जाने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुई तो राहुल गांधी ने डीएम से कहा कि सरकार की क्या यही व्यवस्था है। अब राहुल गांधी के इस टेस्ट की हर तरफ चर्चा हो रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब अपनी संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे तो उनका गजब जलवा देखने को मिला। चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों और पुलिस से घिरे राहुल ने यहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में राहुल गांधी को इस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में जिस तरह से राहुल का सम्मान हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कलेक्ट्रेट और फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज चौराहा के पास भारी संख्या में पुलिस की तैनाती देखने को मिली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में हिस्सा भी लिया। इस बैठक में राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी नजर आए। वहीं इस बैठक में दिनेश सिंह के साथ साथ विधायक अदिति सिंह और मनोज पांडे भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि दिनेश प्रताप सिंह कभी गांधी परिवार के करीबी सहयोगी थे, लेकिन बदले राजनीतिक समीकरणों के चलते अब वे बीजेपी में शामिल हो गए। दिशा कमेटी की इस बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों और योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में जनहित के मुद्दे समेत अन्य योजनाओं पर चर्चा हुई। दिशा कमेटी की बैठकों की खासियत ये है कि इनमें सभी विधायकों की भागीदारी होती है और अध्यक्षता क्षेत्र के सांसद के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राहुल ने कुछ योजनाओं का लोकार्पण भी किया। दिशा की मीटिंग थी, उस मीटिंग को उन्होंने किया और मीटिंग्स के अंदर जो भी ज्वलंत समस्याएं थी दिशा को लेके, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को लेके, सारे जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। उसके अंदर अधिकारी लोग मौजूद थे तो उसी के लिए आए थे और उसको करके गए। और एक चौराहे का उद्घाटन किया उन्होंने और एक PMGSY की रोड्स का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया। वो एक सांसद हैं और इस परिवार में एक खास बात रही है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र का पूरा ख्याल रखते हैं और अपने संसदीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए आज वो आए थे। और उसमें उन्होंने वहाँ पे जो मीटिंग दिशा की थी, विकास की, तरक्की की, उसमें शामिल हुए वो। और कुल मिलाकर मैं इतने कह सकता हूँ कि वो एक कर्तव्य निर्वहन था और बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने किया। कुछ उद्घाटन भी किया, कुछ किया। सर, बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि रायबरेली के लोगों के लिए एक रात तो गुजारी है रायबरेली में राहुल जी। पता नहीं कितनी रातें गुजार चुके हैं, न जाने कितनी सेवा कर चुके हैं। और जो चुनाव का परिणाम है दिनेश जी, वो पोलिंग वाइज पढ़ लीजिए। इससे पहले राहुल मंगलवार सुबह करीब 10 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से निकले, बशरावा के रास्ते रायबरेली पहुंचे। इससे पहले बशरावा में चुरुआ मंदिर में रुककर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, दर्शन पूजन करके आगे के लिए निकले। बशरावा कस्बा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से निकलने के बाद वो जिला मुख्यालय पहुंचे। इसके बाद राहुल ने रायबरेली में एक एक करके कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। न्यूज़ तक ब्यूरो।